नमस्कार, मैं आपका अपना दोस्त वीर सिंह आज की खास बात में आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ऐसे भ्रष्टाचार के बारे में आपको बताने वाले हैं जो आने वाले समय में इससे भी एक बड़ा मुद्दा हो जाएगा। जब ये मामला ऊपर उठेगा, कोर्ट तक जाएगा, तब ये मामला आगे किस प्रकार से कितना बड़ा स्वरूप लेगा, उससे पहले मैं आपको मामला बताना चाहता हूं कि आखिर मामला क्या है। जी हाँ, टेकाड़ी गांव, जो कि नागपुर जिले में टेकाड़ी एक गांव है और टेकाड़ी कांदरी एक जिला परिषद क्षेत्र है। जिला परिषद एजेंसी है, जिस काम की हम बात कर रहे हैं वो एक रोड है और उसकी एजेंसी जिला परिषद है। दोस्तों, इस रोड की कीमत सूत्र बताते हैं कि पहले 4 करोड़ रुपये रखी गई थी और इसकी लेंथ कम थी, लेकिन न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पे इस चीज़ के बारे में काफ़ी आलोचना की गई और कुछ समाज सेवकों ने या फिर राजनीतिक विशेषज्ञ ने इस मुद्दे को जब उठाया, तो इस मुद्दे को उठाने के बाद इसको रिवाइज किया गया और इसकी लेंथ को बढ़ा दी गई, ऐसा हमें सूत्र बताते हैं। यानी कि इसके कई बार एस्टिमेट बनते जा रहे हैं, उसके बाद इस प्रकार बढ़ाए गए कि इसको अलग अलग पार्ट में 1-1 करोड़ रुपए के 3-4 टप्पे में इसको निकाला गया। ये रास्ता नेशनल हाईवे नहीं है, ये 2 या 3 बस्ती के लिए ये सिर्फ बनाया गया है और जिसको बनाने के लिए लगभग 1.5 मीटर एक एवरेज उसके आगे पीछे गड्ढा किया जाता है, वहाँ से मिट्टी निकाली जाती है और फिर करोड़ों का ये रोड यहाँ पे बन रहा है। लोग कहते हैं कि इतना महंगा, इतना खर्चा करके इस रोड की यहाँ ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे 2-3 बस्ती ही हैं जहाँ के लोग आना जाना करने वाले हैं। लेकिन चलिए ठीक है, कंस्ट्रक्शन में लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि उसमें लोगों को कमीशन बनता है। इस उद्देश्य को अभी हम नहीं छेड़ रहे हैं, हम जो है मुद्दे की बात कर रहे हैं। मुद्दे की बात ये है कि एक ही इसमें ठेकेदार है, एक ही ठेकेदार को टेंडर दिया गया है जिसका नाम है सुकल्प कंस्ट्रक्शन। सुकल्प कंस्ट्रक्शन इस रोड को 1 करोड़ करके 3 या 4 टप्पे में बना रहे हैं। जेई यहाँ के नीनावे जी हैं, जिला परिषद नागपुर के, इस क्षेत्र के, इस एरिया के जेई हैं। नीनावे जी से फ़ोन पे बातचीत थी, वो भी हम आपको बताएंगे। नीनावे जी का कहना है कि इसको हमने ओपन टेंडर किया था। सवाल नंबर एक, अगर ओपन टेंडर है तो ओपन टेंडर किसी एक ही कंपनी को बार बार कैसे जा सकता है? इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार लिप्त है। ये कैसा ओपन टेंडर है जिसमें एक ही कंपनी को रोड मिलेगा? अगर 3 बार टेंडर होता और 3 करोड़ का या 4 बार टेंडर होता 4 करोड़ का, तो एक ही कंपनी को काम मिलेगा, ये कैसे संभव है? सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है। सर, इसने निकाला था वर्क ऑर्डर, वो कितने करोड़ का था और कितने किलोमीटर का था, कितने मीटर का था? वो 210 मीटर का पहला वाला, वो कितने करोड़ का था? वो वन का था, 1 CR का था, है ना? उसके बाद कितने बार इसका टेंडर निकाला गया? केवल दूसरा एक टेंडर निकला बस, और ये अभी तीसरा जो अभी नया काम शुरू किया, ये पूरा गांव तक के पहुंच जाएगा। तीसरा टेंडर निकालेगा? हाँ, ये तीसरा है। तो वो जो है कि पहली बार ये तीनों टेंडर ऑनलाइन निकलेगा? ऑनलाइन। अच्छा, ये तीनों अलग अलग लोगों को मिले या एक ही लोगों को मिले? नहीं, अब जिसने बिड किया होगा उसको ही मिला होगा। नहीं तो उससे जो है जितने भी बोर्ड लगे हैं उस पे एक ही कॉन्ट्रेक्टर का नाम है, वो विकल्प वगैरह कुछ नाम है उसका कंस्ट्रक्शन। हाँ हाँ, तो लोअर बिल्डर है इसलिए उसको मिल गया होगा। तो हर टेंडर में लोअर बिल्डर वही मिला है आपको, है ना? ऐसा? हाँ, नहीं हमको नहीं मिलता, ये तो अब डिविजन से जो यानी सेंट्रलाइज प्रोसेस रहती है ना, उसमें हम सिर्फ एग्जीक्यूशन वाले रहते ना। दोस्तों, हम BCN लगातार भ्रष्टाचार को आपके सामने बेखौफ तरीके से लेकर आते रहे हैं और आगे भी लेकर आएंगे। दूसरी बात, इस रोड को जब खोदा गया तो इतना गड्ढा किया गया है कि यहाँ से यातायात पूरी तरह बाधित है, इसे काफ़ी दूर लोगों को घूम के जाना पड़ता है, जो कि समय भी लगता है। आप देख रहे हैं कि बच्चे यहाँ से कॉलेज जाते हैं, उन्हें पैदल जाना होता है और बारिश के समय में इस तरीके से खोदा गया है कि एक साइकिल भी यहाँ से नहीं जा सकते। दूसरी बात, ये अगर खोदना ही था तो आधे रोड को खोदते, और आधे रोड जो कि आप देख रहे हैं, यहाँ नाला पहले खोदा गया था और वहाँ पे रोड किस प्रकार है, पहले आधे रोड को बनाते ताकि आधे रोड से लोगों का आवागमन शुरू हो और वो बाधित ना हो, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, इसको पूरा खोद लिया गया। इसके पीछे क्या कारण है वो भी हम आपको आने वाले समय में बताएंगे कि क्यों खोदा गया। दूसरी चीज़ कि अगर इस प्रकार से जो खोदा जा रहा है, इसमें से जो मिट्टी निकल रही है, वो मिट्टी कितने मात्रा में थी और कहाँ कहाँ किस किस चीज़ कार्य में इसका उपयोग किया गया, वो सारी जानकारी इसके अगले एपिसोड में देंगे। लेकिन इस एपिसोड में गांव वालों को क्या समस्या है वो आप हम आपको सुनाने वाले हैं।
सबसे पहले तो स्कूलों के जो बच्चे हैं उनकी जो गाड़ी घोड़ी है जाने आने की स्कूल की सबसे बड़ी दिक्कत है। गांव के अंदर 200-250 किलोमीटर का जो फेरा है ये ज़्यादा हो रहा, समय पे बच्चे स्कूल पे नहीं जा पा रहे। जो एक साइड बनना था पहले वो बनने के बाद में दूसरे साइड से चालू करना था, उस साइड खुला रखना था, जाने आने में इतनी परेशानी है। डाइवर्सन वगैरह दिए हैं बाजू साइड से? अब वो कुछ भी नहीं है फिलहाल में। हाँ, और ये परेशानी है। ये परेशानी कितने दिन से है आप लोगों को? जब से ये रोड बनना चालू हो गया तब से, अभी मान लो कम कम से 15-20 दिनों से मान लो भैया। अच्छा, ये बारिश में जो काम शुरू कर रहे हैं तो बारिश में इस तरीके से रोड खोद के छोड़ना उचित था कि बारिश के बाद करना? बारिश में तो काम करना गलत है, हमारे गाँव के हिसाब से तो गलत है ये, क्योंकि रास्ता वही है गांव में जाने आने का मेन रास्ता जो है बस्ती के अंदर में। ये करोड़ों के रुपए और यहाँ से मिट्टी चोरी और बार बार टेंडर किया जाना और एक ही व्यक्ति को टेंडर मिलना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बताता है। इसी क्षेत्र से जिला परिषद के बड़े अधिकारी, जाने माने अधिकारी इसी क्षेत्र से आते हैं और उनके क्षेत्र में इस तरीके का विकास का काम हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन पे लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान है इस क्षेत्र में। और कंस्ट्रक्शन में खैर पैसा बहुत ज़्यादा होता है, कमीशन से या किसी भी तरीके से, वो एक अलग पार्ट है और शायद इसीलिए कंस्ट्रक्शन इस तरीके से किया जा रहा है कि लोग तो परेशान हो ही रहे हैं लेकिन जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जो कंपनी कर रहे हैं, इस कंपनी की सारी डिटेल आने वाले एपिसोड्स में, कई एपिसोड में बनाऊँगा, हर एपिसोड में अहम जानकारी आप तक मैं लेकर आऊँगा। आप देखते रहें आज की खास बात NBC News पर, सिर्फ वीर सिंह के साथ।